प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डीके मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी। जैन विद्या, जीवन विज्ञान और योग के विद्यार्थियों के लिए आज हम पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जैन विद्या, जीवन विज्ञान और योग, जिसको हम संक्षेप में जेबी भी कहते हैं, यह पाठ्यक्रम दो प्रश्न पत्रों में विभक्त है। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। एक तीसरा पत्र भी है जो प्रायोगिक का है। प्रथम प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर, जैन धर्म, इतिहास और संस्कृति का है। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रेक्षा ध्यान और योग। प्रथम प्रश्न पत्र में जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म के साहित्य और जैन धर्म की संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है, प्रेक्षा ध्यान योग, यह योग का पेपर है। ये दोनों थ्योरी के प्रश्न पत्र हैं, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हैं। तो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 75-75 अंक के हैं। फर्स्ट पेपर 75 अंक, 75 मार्क्स। सेकंड पेपर 75 मार्क्स, 75-75, यानी 150 मार्क्स के ये थ्योरी के दो पेपर हैं, सैद्धांतिक पेपर। और एक पेपर प्रैक्टिकल का है, प्रायोगिक का है, वह 50 अंक का है। इस प्रकार जैन विद्या, जीवन विज्ञान का पूरा पेपर 200 अंक का है। 75-75 के थ्योरी और 50 नंबर के प्रैक्टिकल। हम आज प्रथम प्रश्न पत्र जैन धर्म का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत कुछ एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है, पहला यूनिट का, तीर्थंकर ऋषभ से पार्श्व तक। इस यूनिट में जैन धर्म का स्वरूप, जैन धर्म की प्राचीनता, कालचक्र, कुलकर व्यवस्था, तीर्थंकर ऋषभ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ का जीवन एवं दर्शन, भरत का साम्राज्य विस्तार और अनासक्त युग, ये टॉपिक हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है जैन धर्म का स्वरूप। जैन धर्म का स्वरूप जानने के पहले सबसे पहले हम जानें कि जैन किसे कहते हैं, जैन क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैन शब्द का मूल उद्गम जीन शब्द है। जीन शब्द जी जय धातु से निष्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीतने वाला। राग द्वेष आदि दोषों को या राग द्वेष आदि रूपी कर्म शत्रुओं को जो जीत लेता है उसे जीन कहते हैं, या जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है उसे जीन कहते हैं। और जीन का जो अनुयायी है, जीन के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, अनुगमन करता है, उसे जैन कहते हैं। जीन द्वारा प्रतिपादित धर्म पर चलने वाले जैन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। जैन धर्म के प्रवर्तक जीन ही हैं। जीन जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं। जीन अतिंद्रिय ज्ञानी, राग द्वेष आदि के विजेता होते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक की दो कसौटियां हैं, दो योग्यताएं हैं, एक तो वितरागता और दूसरा केवल ज्ञानी। जो वितराग पुरुष हैं या जो केवल ज्ञानी पुरुष हैं, वे जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं। जो वितरागी पुरुष हैं वह केवल ज्ञानी हो ही कोई आवश्यक नहीं है, किंतु जो केवल ज्ञानी हैं वे वितरागी होते ही हैं।
वैसे केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर होते हैं वे जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं। केवलियों की संख्या भी अनगिनत है, वितरागियों की संख्या अनगिनत है, किंतु तीर्थंकरों की संख्या अनगिनत नहीं है। सभी केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी नहीं होते। तीर्थंकरों की संख्या जैन धर्म में 24 निर्धारित की गई है। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव हैं और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर हैं। वर्तमान में जो जैन धर्म का शासन चल रहा है वो अंतिम तीर्थंकर महावीर का है। महावीर का सिद्धांत, महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्म, महावीर द्वारा प्रतिपादित व्याख्यान ही जैन धर्म और जैन दर्शन है। जैन धर्म एक सार्वभौम धर्म का नाम है, एक संकीर्ण धर्म नहीं है, एक सार्वभौम धर्म है। जैसे हिंदू धर्म है, शिव धर्म है, वैसे ही जैन धर्म है। जो विष्णु के उपास्य होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, शिव के उपास्य होते हैं वो शैव कहलाते हैं, शक्ति के उपासक को शाक्त कहा गया है, बौद्ध धर्म के अनुयायी उपासक को बौद्ध कहा गया है, वैसे ही जो जीन का उपासक है उसे जैन कहते हैं। लेकिन विष्णु, शिव, बुद्ध और ईसा एक व्यक्ति हैं, किंतु जीन कोई व्यक्ति नहीं है। जीन एक योग्यता का नाम है, जो गुण प्राप्त कर लिया, जो अपने राग द्वेषों को जीत लिया, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया, उसे जीन कहते हैं। जिनके ज्ञान, दर्शन और चरित्र और शक्ति के अवरक्त तत्व नष्ट हो चुके हैं, चैतन्य का परम स्वरूप प्रकट हो चुका है, वे सभी जीन कहलाते हैं। इस प्रकार जीन बनने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म तक सीमित नहीं है। जो भी इस योग्यता को प्राप्त कर लिया वह सभी जीन है। जैन धर्म एक सार्वभौम धर्म है। इसकी सार्वभौमिकता इसके मूल मंत्र में भी दृष्टिगोचर होती है। जैन धर्म का मूल मंत्र है नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोय सर्वसाहूनम। इसमें अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, समस्त आचार्यों को नमस्कार, समस्त उपाध्यायों को नमस्कार और जगत में सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है। ये सब पद कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये सब पद हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुणों से विशिष्ट पद हैं। चार घाती कर्मों का क्षय करने वाला अरहंत कहलाता है, आठों कर्मों का नाश करने वाले को सिद्ध कहा गया है, जो तीर्थंकर का प्रतिनिधि है उसे आचार्य कहते हैं, जो आगमों का अध्ययन अध्यापन करता है उसको उपाध्याय कहते हैं, और जो पांच महाव्रतों का पालन करता है, गृह त्याग करके, गृहस्थ जीवन त्याग करके पंच महाव्रतों का पालन करता है, जीवन में उतार लेता है, उसे साधु कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म के मूल मंत्रों में भी सार्वभौमिकता झलकती है, संकीर्णता नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर होते हैं। हमें जानना चाहिए कि तीर्थंकर किसे कहते हैं और केवल ज्ञानी किसे कहते हैं। तीर्थंकर और केवल ज्ञानी में क्या अंतर है? तीर्थंकर वह होता है जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करता है। तीर्थंकर वह होता है जो प्रवचन करता है, धर्म के मूल तत्व का प्रतिपादन करता है, जिसके आधार पर शास्त्रों का निर्माण किया जाता है, उसे तीर्थंकर कहा गया है। तरति संसार महार्णवम येन निमित्तेन ततीर्थम मिति। नदी को पार करने के लिए जिस प्रकार घाट बने हुए होते हैं वैसे ही संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये तीर्थंकर घाट का काम करते हैं। केवल ज्ञानी और तीर्थंकर ज्ञान की दृष्टि से दोनों बराबर हैं।
फिर भी अंतर है, केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं बनता। तीर्थंकरों की कुछ विशेषताएं हैं, सभी केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं बनते, किंतु सभी तीर्थंकर केवल ज्ञानी बनते हैं। तीर्थंकरों की कुछ विशेषताएं हैं जो केवल ज्ञानियों में नहीं पाई जाती, वे हैं तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर की गणना नमस्कार महामंत्रों में होती है, केवलियों की नहीं होती। तीर्थंकर स्वयं संबुद्ध होते हैं, किसी के द्वारा प्रबुद्ध नहीं होते। तीर्थंकर तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थंकर के गणधर होते हैं। तीर्थंकर के च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण ये पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। तीर्थंकर जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारक होते हैं। तीर्थंकर की माता बच्चे के जन्म के समय 14 शुभ स्वप्न देखती हैं। केवल ज्ञानियों के लिए यह अनिवार्य है, केवल ज्ञानियों के लिए ये सब अनिवार्य नहीं है, तीर्थंकरों के लिए अनिवार्य है। जो भी ऊपर हमने बातें कही वो सारी बातें तीर्थंकरों के लिए थी, केवल ज्ञानियों के लिए नहीं थी। इस प्रकार ये केवल ज्ञानी और तीर्थंकर में ये अंतर हुआ। तीर्थंकर घाती कर्मों का क्षय कर तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। शेष चार अघाती कर्म जब उनके नष्ट होते हैं तब वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, आवागमन के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। जिस प्रकार बीज यदि जल जाए तो पुनः उससे अंकुर नहीं निकलता, उसी प्रकार आठ कर्मों से रहित होने पर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। तीर्थंकरों की संख्या 24 है, जैसा कि हमने बता दिया। प्रथम ऋषभ देव हैं और अंतिम महावीर हैं। हमारे कोर्स में कुछ तीर्थंकरों को पढ़ना है, जिसमें तीर्थंकर ऋषभ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर, चार तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार आज की चर्चा पूरी हुई। हम कल देखेंगे जैन धर्म दर्शन की विशेषताएं क्या हैं।